हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है जो फ्रेंड्स वो है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, जो क्लास 12th है उसमें जो चैप्टर नंबर 1st है खेलों में योजना, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जो पहला चैप्टर है वो हम उसमें जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी जो हमें करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नॉकआउट टूर्नामेंट के, जो हमने पिछले वीडियो में E1 का निकाला था, इस वीडियो में हम ऑड का निकालेंगे, ऑड टीमों का, और जो हमारी 17 है और इसका फिक्सचर हमें बना के तैयार करना है, ठीक है। इसे ग्राफ पहला स्टेप क्या था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में भी इसका लिंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप देख लीजिए। तो पहला स्टेप हमारा कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप जो हमारा 1st है वो क्या है, 1 से लेकर 17 तक हमें गिनती लिखनी है, ठीक है, लाइन वाइज। 1, 2 हमने 1 से लेकर 17 तक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2 में हम इसके जो भी हमारे फॉर्मूला लगा के जो भी हम सॉल्व करेंगे, जो हमें इसको कैसे इसे सॉल्व करना है वो हम इसमें बताएंगे स्टेप 2 में। मीन्स इसमें हम पहले निकालते हैं अपर हाफ टीम, ये अपर हाफ हो गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 1 से 17 तक लिखने के बाद फिर हम इसमें सेकेंड स्टेप में अपर हाफ निकालेंगे, मतलब इन्हें हम 1 से 17 को दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n+1/0.2, जो हमारा n होता है वो हमारे नंबर ऑफ टीम होते हैं। तो हमारी नंबर ऑफ टीम इसमें लास्ट कितने टोटल 17 हमारी टीमें हैं और हमें एक ऐड करना है इसमें अपॉन टू। तो ये आपको पूरा करके दिखाना, भले आपको पता होगी 18 आ जाएगा जो भी फिर इसका आएगा, 18 2, अब इसे डिवाइड कर देंगे, 9 ये आ गया। फिर हमें लोअर हाफ निकालना होता है, इसमें होता हमारा n-1। आप इसके फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस। जो अपर हाफ निकालते हैं उसमें n+1 होता है और लोअर हाफ में होता है हमारा n-1, ठीक है। ये 17-1/2 16-2 8, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें बाय देनी होती है, बाय। तो बाय हमें फ्रेंड्स इतनी देनी हो जितनी टीम होती है, या तो उतनी होनी चाहिए बाय, या मतलब अगर यहाँ पे 17 है तो हम बाय 16 नहीं ले सकते, बाय 2 की पावर में दी जाती है। तो हमें टीम से ज़्यादा बाय लेनी होती है, इन द सेंस ऐसे कि मीन्स हम यहाँ पे 2 की पावर 5 ले लेते हैं, 2 × 2 2 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गई। तो इसका कितना आएगा, अगर हम 4 लेते तो 16 आता है, हमने 5 लिया तो हमारा 32 आ गया, ठीक है, 32। अब इसमें से हम 32-17 करेंगे, ठीक है, हमारी टोटल बाय आ जाएगी, हमें कितनी बाय देनी है। तो हमारा कितना हो गया भाई, ठीक है, हमारी टोटल बाय हमारी 15 हो गई, मतलब हमें 1 से लेकर 17 तक में हमें 15 बाय देनी है। अब इसे कितने, मतलब ऊपर में कितनी देनी है नीचे में ये भी अलग से निकालते हैं। तो हम इसके लिए लिखते हैं अपर हाफ बाय, अपर हाफ बाय इक्वल टू। इसमें एक और चीज़ फ्रेंड ध्यान रखनी है आपको, तो फ्रेंड्स अब इन सबको आपको पेपर में करके दिखाना पड़ेगा, या जो भी आपका टेस्ट होता है उसमें करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर दिए जाते हैं इसके। ये कम से कम 5 नंबर का आता है, ठीक है, तो इससे ही बड़े बड़े हैं। अभी तो ये छोटा सा है, आपको नॉकआउट टूर्नामेंट का, अभी तो लीग का बाकी है, ठीक है। तो अपर हाफ बाय में इसमें फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स NB, जो नंबर ऑफ बाय होती है उसमें। अगर देखें फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ होती है, जो आपने n+1 का रखा होता है ना, तो इसमें पहले में NB- होता है और अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो हमारा NB कितना है, 15-1/2 14-2 हमारा आ गया 7। ऐसे ही हम लोअर हाफ निकालेंगे, लोअर हाफ बाय, इसमें हम करेंगे जैसे इसमें माइनस हो गया तो इसमें हम प्लस करेंगे, NB+1/2 15+1 2 16
हमारी 8 हो गई, मतलब जो हमारी अपर हाफ बाय होगी वो उस अपर में हाफ होगी उसमें 7 बाय आएंगी और लोअर में 8 आएंगी। ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स राउंड देखने हैं, राउंड हमारे कितने होते हैं, राउंड मतलब कितनी बार होगा। ठीक है, जो राउंड निकालने का सीधा फॉर्मूला, राउंड हाफ बहुत, राउंड और मैच निकालना बहुत ईजी होता है। जो राउंड होता है वो हमारी जो 2 की पावर होती है वो राउंड होता है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो हमारा सीधा राउंड हो जाएगा 5। और मैच होता है एन माइनस वन, एन माइनस वन इन द सेंस फ्रेंड जो हमारी नंबर ऑफ टीम होती है जिससे 17 है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं तो 16 हमारे मैच होंगे। ठीक है टोटल, तो चलिए हम करते हैं। पहला स्टेप क्या था, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ में आनी है 9 फ्रेंड्स, इसमें ऑड जो होती है ऑड टीम है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपर हाफ में 9 है, इसमें आप दो भागों में तो ऐसे 18 होती तो आप 9-9 कर देते, ठीक है, बट इसमें 2 18 नहीं है तो इसमें हमने इसलिए प्लस कर रखा है क्योंकि पहले वाले में हम 9 ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो 9 ऊपर का अंदर से 9 के यहाँ पे लाइन खींच देंगे, आपको लाइन खींच के दिखानी है, ये मानना है अगर आप नहीं खींचेंगे तो इसके भी नंबर कटेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई, आप देख सकते हैं अपर हाफ में 9 आ गई, देखिए 1 से 9 तक, और लोअर हाफ में 8 है तो 2 4 6 8, तो ये हमारी हो गई। अब हमारी बाय, ठीक है, बाय हमारी कितनी टोटल 15 है बाय, और बाय अपर हाफ में कितनी देनी है, ये जो आप सीधा अपर हाफ को इन द सेंस इस मायने में ले सकते हैं, ये ऊपर वाली अपर हाफ होती है, नीचे वाली लोअर हाफ होती है। ठीक है, तो अपर हाफ में हमें 7 बाय देनी है और लोअर हाफ में 8 बाय देनी है। तो बाय देने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको सदैव याद रखना है, जो पहली बाय दी जाती है वो हमारी दी जाती है लोअर हाफ की लोअर टीम को, एंड जो सेकंड बाय दी जाती है वो अपर हाफ की अपर टीम को। ठीक है, फिर जो थर्ड बाय होती है वो लोअर हाफ की अपर टीम को दी जाती है, एंड जो फोर्थ होती है वो अपर हाफ की लोअर टीम को। ठीक है, फोर्थ यहाँ होगी, अब पांचवी यहाँ पे आएगी, छठी यहाँ पे आएगी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी 10 हो गई, अब इसमें देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारी 3 और ये 2 3 2 5 हो गई, सेम 2 और 3 5, मतलब 5 अभी हमारी ऊपर 5 नीचे 5 हुई है। ठीक है, अभी हमें कितनी चाहिए, अपर हाफ में 7 चाहिए और लोअर हाफ में 8 चाहिए। ठीक है, हमारी टोटल बाई 15। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे अब 11 12 13, ठीक है ध्यान देते रहिएगा, 14, ठीक है 14 हो गई, ये हमारी 15 हो गई। तो आप गिन सकते हैं इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 4 और 3 7, हमारी अपर हाफ में 7 हो गई एंड लोअर हाफ में 8 हो गई। ठीक है, तो बाय आपको ध्यान रखना है कि बाय लोअर हाफ से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे आएगी, सेकंड अपर हाफ में, फिर ऐसे जैसे आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी क्लियर है, मतलब 7 हमने ऊपर दे दी, 8 नीचे दे दी। ठीक है, ये हमारा मैच भी आधे आधे कर दिया हमने, दो भागों में डिवाइड कर दिया इसे, हमारा राउंड और मैच करने हैं। ठीक है, राउंड और मैच करने हैं, तो राउंड के लिए आपको पहले यहाँ पे जैसे आप बता देंगे राउंड आप फर्स्ट कर रहे हैं R1 लिख देंगे, तो आज जो हम बाय देते हैं फ्रेंड्स, बाय देने का मतलब यह है कि जो जैसे जैसे हमने बाय दे रखी है वो टीम पहला मैच नहीं खेलेगी और उसके अलावा जो बाकी होंगी वो पहला मैच खेलेंगी। तो इसमें ऊपर वाले में आपको 5 और 6 बाकी दिख रहे हैं, नीचे वाले में कोई बाकी नहीं है, तो 5 और 6 खेलेंगे पहला राउंड, भाई कोई नहीं खेलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब राउंड सेकंड में फ्रेंड्स जो बाय वाली भी टीमें होती है वो सब खेलती हैं, तो मतलब पहली ये दोनों खेल लेंगी, फिर ये दोनों, फिर इसमें से 5 और 6 में से एक जीत के कोई निकलेगा। ठीक है, वो इससे खेल लेगा 7 वाले से और 8 9 इसमें खेल लेंगे आपस में, फिर 10 11 आपको पूरा ऐसा करना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये सब पूरा पहला मैच खिलवा दिया, राउंड सेकंड भी हो गया, अब राउंड थर्ड करेंगे यहाँ पे, राउंड थर्ड। ठीक है, अब जो इन दोनों में से एक बाहर आएगी वो निकल के इन दोनों से बाहर आएगी वो इससे खेलेगी। ठीक है, इससे जो तो जो इन दोनों में से जो पहली और दूसरी थी उसमें से एक जीत के बाहर आई
और इसमें से तो इन दोनों ने आपस में खेला, फिर इसमें से जो जीत जाएगी वो आपस में यहाँ पर खेलेगी, और ऐसा ही इसमें होगा, इनमें से एक जीत के आएगी, उसमें से इन दोनों को आपस में मैच होगा। फिर जो राउंड फोर्थ होगा, राउंड फोर ठीक है, इसमें से जीत के आएगी और जो इसमें से जीत के आएगी वो आपस में खेलेंगी, फिर जो इसमें से जीतेगी जो इसमें से, वो दोनों इन दोनों में से जो जीत के आएंगे वो आपस में खेलेंगे। ठीक है, अब हमारा राउंड फाइव, ठीक है, राउंड फाइव में ये दोनों सिंगल हो गए, ठीक है, अब ये भी सिंगल, इन दोनों से इसमें से जीतेगा और इसमें से जो जीतेगा वो आपस में खेलेंगी। ठीक है, तो ये हमारी राउंड फाइव है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मैंसेट कर रखा था राउंड फाइव, ये हमारी हो गई। अब हमारी मैच जो हमारी 16 थी, जो 16 मैच थे, वो कैसे निकलेंगे, मैच भी आपको बाकायदा लिखना पड़ता है। तो मैच लिखने का तरीका ये है, जो हमने पहले राउंड में अपन खेला, पहले राउंड में किसका मैच हुआ था, 5 और 6 का, तो हम यहाँ पे मैच 1 लिखेंगे। फिर दूसरे राउंड में क्या हुआ था, इन दोनों ने खेला था 2, 3, 4, 5, या तो ऐसे हमने मैच लिख दिया राउंड का, राउंड वाइज आप ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा ऐसे करते करते आप यहाँ पे लिख देंगे, तो मैच हमारी कितने होगा, लास्ट 16 मैच होगा। ठीक है, तो 16 मैच यहाँ पे थे मैंसन हमारे, तो 16 मैच ये भी क्लियर। तो फ्रेंड्स आपने सीख लिया कि और टीमों का जो नॉकआउट टूर्नामेंट के द्वारा फिर से कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और दूसरी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।